नमस्कार, जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन। कश्मीर में हालात हर दिन बेहतर हो रहे हैं। विकास हर किसी को चाहिए, खुद का भी और मुल्क का भी। और ऐसे ही विकास की राह पर तेजी से चल रहा है कश्मीर, जहां के युवाओं को भटकाना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बेड़ियों से आजाद हुए जम्मू कश्मीर को अभी एक साल से कुछ ही अधिक वक्त हुआ है। इस दौरान इसे लेकर परिवारवाद की पॉलिटिक्स करने वाले सियासतदानों को तकलीफ तो जरूर हुई, लेकिन आवाम ने अब आगे बढ़ने की ठान ली है। और यही वजह है कि पत्थर थामने वाले कश्मीर के युवाओं के हाथ में अब सेना के शस्त्र थामने की हसरत है। और इसके लिए जो भटक गए थे वो भी मुख्य धारा में लौट रहे हैं। इन तीन तस्वीरों को देखिए, ये नए कश्मीर का हाल बयान कर रही है। 10 दिन के अंदर की ये तीनों तस्वीरें बयान कर रही हैं कि कैसे भटकाए गए कश्मीर के युवा अपनी पुरानी राह में घुटन महसूस कर रहे हैं। अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर करता ये युवक अभी कुछ दिन पहले ही आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। बड़े ख्वाब दिखाकर आतंकियों ने इसे अपना साथी बनाया था, लेकिन आतंकी दुनिया की हकीकत और आतंकियों के मंसूबों को समझते ही इसने हथियार डाल दिए। परिवार के बीच पहुंचा तो अपनी गलती पर रोना आ गया। तुझको इसका बोल-बोल के गुजारा, दुनिया ने मुझे एक मौका दिया। मैं अपना हथियार और फौज वगैरह अंदर छोड़ के बाहर यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स ने मुझे फिर से मतलब एक मौका दिया है जीने का, तो इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से एक मौका दिया जीने का। मैं बाहर के लड़कों को भी बोलना चाहता हूँ कि ये मिलना चाहिए, बस कुछ नहीं है, ये इंसान के मतलब जहन एक खराब जहन की मतलब ये खराब जहन है। शाकिब की तरह ही कश्मीर के कई युवाओं को आतंकी और उनके चाहने वालों ने जन्नत के ख्वाब दिखाए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये भटके हुए युवा आतंक के जहन्नुम को छोड़कर जिंदगी की तरफ वापस लौट रहे हैं। इससे पहले 16 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को भी सुरक्षा बलों के सामने आतंकवादी संगठन में शामिल हुए युवाओं ने सरेंडर किया था। आतंक के खिलाफ कश्मीर में सुरक्षा बलों का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऑपरेशन क्लीन का असर भी दिखने लगा है। यही वजह है कि ढेरों आतंकी पिछले कुछ दिनों में या तो मार गिराए गए या गिरफ्तार कर लिए गए। और ऐसे में जिनको अपनी जिंदगी बचानी है उनके पास सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं, और सुरक्षा बलों की भी कोशिश है कि जो भटक गए हैं उन्हें सही राह दिखाई जाए। नॉर्थ कश्मीर में पिछले 1.5 महीने से अगर मैं बोलूं कि 4 लड़के जो मिसिंग हुए थे, जिन्होंने टेररिस्ट तंजीम ज्वाइन की थी, उन चारों को या तो एप्रीहेंड या उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि नॉर्थ कश्मीर में जो हालात पॉजिटिव हैं, जो सुधरे हैं, और लगातार जो हमारी कोशिश जारी है उसकी तरफ जो भी हमने कदम बढ़ाए हैं उसमें हमें भरपूर सफलता मिली है। हमें लगातार अपने रिकमेंडेशन भेजी हैं कि रिहैबिलिटेशन जो सेंट्रल पॉलिसी है उसको और इम्प्रूव किया जाए, लेकिन वो जब तक उस पर कोई नई तजवीज़ आती है या नई पॉलिसी आती है तब तक जो भी प्रेजेंट पॉलिसी सेंट्रल वाली है उसके तहत इनके लिए जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है भटके हुए युवाओं को राह दिखानी ज़रूरी है, उन्हें समझाना ज़रूरी है और सच बताना भी ज़रूरी है, और ऐसा ही काम कर रहे हैं सुरक्षा बलों के जवान। और यही वजह है कि कश्मीर की फिजाओं में रौनक तेजी से लौट रही है और भटके हुए युवा ख्वाबों और ख्यालों की झूठी जन्नत से पीछा छुड़ाकर असली जन्नत में लौट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।